भविष्य में मैं एक ऐसा कंपनी कह लो या एजुकेशनल प्लेटफॉर्म खोलो कह लो वो खोलना चाहता हूँ जो गरीब बच्चे हैं उनको मिनिमम से मिनिमम प्राइस पर, अफोर्डेबल प्राइस पर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूँ, कोडिंग की, अबेकस की सारी एजुकेशन। ये मेरा सपना है। 12 साल की उम्र, वो उम्र जिसमें बच्चे खेलते कूदते हैं, जिसमें बच्चे बस ये सोचने में लगे रहते हैं कि आज क्या शरारत करें। उसी उम्र में आगरा के रहने वाले देवांश बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं, और ट्यूशन भी कोई नॉर्मल सब्जेक्ट का नहीं बल्कि देवांश बच्चों को कोडिंग सिखाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। आगरा से करीब 15 किलोमीटर दूर बराड़ा गांव में रहने वाले देवांश कोडिंग की दुनिया का सुपर चैंपियन बन चुका है। 27 नवंबर 2010 को पैदा हुए देवांश इस साल 12 साल के हो जाएंगे और वो 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। देवांश की 12वीं क्लास की पढ़ाई यूपी बोर्ड से चल रही है। खास बात यह है कि देवांश ने 9वीं क्लास से पहले की पढ़ाई किसी स्कूल में नहीं की। सिर्फ 5 साल की उम्र में होश संभालने के बाद से ही देवांश ने कंप्यूटर को अपने हाथ में ले लिया और कंप्यूटर की बेसिक जानकारी खुद से ही सीख ली, जिसके बाद कंप्यूटर पर कोडिंग का काम करना उनका पैशन हो गया। महज 5 साल की उम्र में कंप्यूटर पर कोडिंग का काम शुरू कर दिया और आज वो कोडिंग की दुनिया में शून्य से शिखर तक की यात्रा कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि देवांश अब तक 10 एप्स बना चुके हैं। अब मुकाम देवांश ने इतना बढ़िया हासिल किया था तो यूपी तक का उनके पास पहुंचना भी लाजमी था। हम भी पहुंचे देवांश के पास जानने के लिए कि आखिर इतनी छोटी उम्र में कैसे उन्होंने इतना बड़ा कारनामा किया। जहां बात की हमने देवांश से, देवांश के पिता से और 12 साल के देवांश के स्टूडेंट से। उम्र महज 12 साल, और 12 साल की उम्र में 12वीं क्लास की पढ़ाई, इतना ही नहीं कंप्यूटर में कोडिंग पे मास्टरी, और कोडिंग में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सिद्धहस्त बनने की तमन्ना, ये सपना है देवांश का। और देवांश के बारे में खास बात यह है कि वो आगरा से करीब 15 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव बराड़ा में रहता है, और इस गांव में रहकर ही वो ये सारी चीज़ें सीख गया, और किसी को पता तक नहीं लगा आस पड़ोस में कि देवांश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना आगे जा चुका है। इस छोटी सी उम्र में बड़ी प्रतिभा को हासिल करने के लिए उसने क्या क्या किया है उसी के से जानेंगे, और इसके बीच में उनके पिता से भी बात करेंगे। आपने जो कोडिंग की भाषा सीखी या किस उम्र से सीखनी शुरू की और किस तरीके से सीखते हुए आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं? हाँ, मैंने कोडिंग ऐसे सीखी थी, मैं आइडिया तब आया था कोडिंग सीखने का मेरे में, तब मेरी उम्र महज 8 साल की थी और मेरे पापा कंप्यूटर में कोडिंग कर रहे थे, तो मैं उस टाइम पर मोबाइल में गेम्स खेल रहा था। तो पापा से मैंने पूछा, पापा ये कर रहे हो? पापा ने बोला, जो तुम गेम खेल रहे हो ये कोडिंग से ही बनते हैं। तो मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी हुई कोडिंग को सीखने की, कोडिंग को जानने की। फिर मेरे को पता चला AI से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैंने कोडिंग बहुत, अभी मेरे को 12 लैंग्वेजेज आती हैं कोडिंग के अंदर। मैंने बहुत सारे ऐप्स भी बनाए हैं और मैं ऑल ओवर इंडिया में। कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं? HTML, CSS, JavaScript, React, JS, वेब डेवलपमेंट एंड फायरबेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, और 10 ऐप बना चुका हूँ मैं कोडिंग के अंदर, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी ऐप प्ले स्टोर पर हैं। आपने कौन कौन से ऐप बनाए? मैंने क्या बनाया है, एज कैलकुलेटर, जैसे आप आज की एज डालोगे और आप तब आप पैदा हुए तब की एज डालोगे तो आपकी आज की जो एज है वो निकल के आ जाएगी इन सेकेंड्स, इन मिनट्स। और दूसरा ऐप बनाया है मैंने जिसके अंदर आपका वो होता है, मेरी देवांश मारियो करके, जिसके अंदर आप T-Rex रनर गेम जैसा होता, उसमें होता है, उसमें आप कॉइन्स इकट्ठा करते हो, उसमें पॉइंट्स इकट्ठा करते हो, और उसी के जैसा बनाया था मैंने पिंक कैंडी करके गेम बनाया था मैंने, जिसके अंदर एक एलियन होता है जो टॉफी इकट्ठा करता है, चॉकलेट इकट्ठा करता है, और फाइनली वो सबमिट हो जाती हैं फाइनल रिजल्ट में। ऐसे मैंने और बहुत सारे ऐप्स बनाए मैंने। अच्छा, कंप्यूटर के साथ साथ ये कोडिंग के साथ साथ आप अपनी जो क्लासेस की पढ़ाई है वो कैसे करते हैं और किस तरीके से आपने क्लासेस की पढ़ाई की? मैं अभी तक कभी स्कूल नहीं गया और क्लास 12th में पढ़ता हूँ, IIT JEE की तैयारी कर रहा हूँ अभी मैं। मेरे पापा ने मेरे को घर पर पढ़ाया सारी चीज़ें, और मैं पढ़ाई के साथ साथ कोडिंग कैसे मैनेज करता हूँ, जो मेरे पढ़ाई का काम होता है पहले मैं वो कर लेता हूँ, फिर उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर मैं कोडिंग में दे देता हूँ। और मैं अब तक पूरे भारतवर्ष में
500 बच्चों को फ्री में कोडिंग सिखा चुका हूँ ऑनलाइन। ये बच्चे कहाँ कहाँ के हैं? ऑल ओवर इंडिया के, जैसे कहीं पे भोपाल के, कहीं पे कानपुर के, कहीं दिल्ली के, बहुत जगह जगह के, मुंबई के बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। और इसी बात से कुछ होकर मेरे को महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी ने बाल गौरव का सम्मान दिया था। अच्छा, आपके बारे में ये भी बताया गया कि आपकी बुद्धि जो है बहुत प्रखर है, तो जैसे कोई गुणा है या घटाना है या जोड़ है उसको आप कुछ सेकंड में ही हल कर देते हैं। हाँ, मेरे पास इस फील्ड में 150 से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, और ये चीज़ मैं बच्चों को भी सिखाता हूँ। मैंने अपने गांव में एक अकेडमी स्थापित की है जिसका नाम श्री गिरिराज एडवांस अकेडमी है, जिसमें मैं बच्चों को कोडिंग और एबेकस दोनों सिखाता हूँ। हाँ, और इसमें मेरे पास, अच्छा, जैसे 945 गुणा 945 कितना होगा? 945 गुणा 945 टू डिजिट की। अच्छा, 95 × 95। अच्छा, 9025 81 × 81 971 78 × 78 6784। अच्छा, ये चीज़ आपने कहाँ से सीखी, कैसे इसकी प्रैक्टिस करते हैं? मेरे पापा ने सिखाई, उसके बाद मैं अपने प्रैक्टिस करता गया, अपने दिमाग में सम्स बनाता गया और करता गया। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके अंदर अब आप क्या सीखना चाहते हैं और क्या करके दिखाना चाहते हैं? और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मैं अब तक बहुत सारे प्रोजेक्ट बना चुका हूँ। डस्टबिन में मैंने एक ऐसा डस्टबिन बनाया है, जैसे दो तरह के डस्टबिन बनाए थे। एक ऐसा डस्टबिन जैसे आप उसको कचरा दिखाओगे तो अपने आप खुल जाएगा सेंसर के द्वारा, है ना। और एक ऐसा डस्टबिन जो जगह जगह पर हमारे आगरा में डस्टबिन रखे हुए हैं वो भर जाते हैं तो किसी को पता नहीं पड़ता है कि भर गए हैं, और उसमें और पॉल्यूशन फैलता है। तो मेरा डिवाइस बनाया कि बता देगा ये डस्टबिन फुल हो गया है, आप आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इसको फुल हो गया है, इस एरिया का ये डस्टबिन फिल हो गया है, इसको खाली करवा दीजिए। और एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था मैंने होम ऑटोमेशन करके, आप मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हो अपने घर के अप्लाइंसेस, जैसे पंखा बंद करना है, लैंप ऑन करना है, लाइट बंद करनी है, ऐसे काम आप कर सकते हो। उससे क्या गाड़ी भी स्टार्ट कर सकते हो, बंद कर सकते हो? हाँ, आप गाड़ी में सेंसर लगा दो तो वो भी गाड़ी भी स्टार्ट हो सकती है, गाड़ी को भी ऑटोमेट कर सकते हो। भविष्य में क्या करना चाहते हैं? भविष्य में मैं एक ऐसा कंपनी कह लो या एजुकेशनल प्लेटफॉर्म खोल लो कह लो वो खोलना चाहता हूँ, जो गरीब बच्चे हैं उनको मिनिमम से मिनिमम प्राइस पर, अफोर्डेबल प्राइस पर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूँ, कोडिंग की, एबेकस की सारी एजुकेशन। ये मेरा सपना है। ये देवांश हैं, एक अपने भविष्य के लिए सुनहरे सपने इन्होंने बुन रखे हैं, लेकिन इनके पिताजी हैं जहाँ से इनकी शुरुआत होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और वो सीखते हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम लाखन सिंह है। आप क्या करते हैं? जी, हम बच्चे पढ़ाते हैं, अभी थोड़ी खेती करते हैं। नहीं, बच्चे में सब्जेक्ट क्या है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? अबेकस है, वैदिक मैथ है, और बाकी एकेडमिक सारी सब्जेक्ट्स हैं। तो ये देवांश एकदम से कैसे इस तरफ बढ़े, क्या उनके अंदर आपने प्रतिभा देखी, क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको लगा कि देवांश इस तरफ बढ़ सकते हैं या ये अपने आप बढ़े? इन तो अपने आप कहेंगे, मैं थोड़ा सा सपोर्ट किया इनको, करीब ये 9-10 महीने कहेंगे, तब से थोड़ा इनका चंचल रहा है, तो मैंने वहीं से पकड़ा इनको, लैपटॉप पर काम करना सीख गए थे, तभी से इनको उठाया था, अबेकस सिखाया, फिर इनको वैदिक मैथ सिखाया, फिर उनको कोडिंग सिखाई, बाकी और सब्जेक्ट तो साथ में चलती रही थी, हिंदी है, मैथ है, साइंस है, हम देते गए बच्चे को। धीमे धीमे उन्होंने अपनी कोडिंग में मास्टरी हासिल कर ली और अबेकस में, और अब ये बच्चों को सिखाते हैं, घर पे सिखाते हैं, घर पे बच्चे आते हैं, काफ़ी बच्चे आसपास गांव के भी आते हैं, इनको ये कोडिंग सिखाते हैं, अबेकस सिखाते हैं और वैदिक मैथ सिखाते हैं। और करीब पूरे भारतवर्ष में आपके कई राज्यों से, महाराष्ट्र, MP, बिहार और UP के कई बच्चों को, करीब करीब 500 के आसपास बच्चों को सिखा चुके हैं। और इस काम को देखते हुए भगत सिंह कोश्यारी जी जो गवर्नर है महाराष्ट्र के, उन्होंने बच्चे को सम्मान दिया बाल गौरव का, और इस फील्ड में इनके पास लगभग 150 अवार्ड हैं कोडिंग में और मैथ में। और इनको जो जीवनी है भारत सरकार की, एक मैगजीन है गंगोत्री, उसमें गई है, जो निकलती है वार्षिक मैगजीन है बालाघाट MP से,
एक मैगजीन निकलती है आपकी अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन है जयपुर से, उसमें इनकी जीवनी गई है। और एक मैगजीन निकलती है आपकी जयपुर शहर से, वो दैनिक मासिक है, उसमें जीवनी गई है। एक निकली मैगजीन आपकी नासिक से, उसमें इनकी जीवनी गई है। और एक परफेक्ट वुमेन मैगजीन है जो शायद जो जिसमें सेलिब्रिटी इंटरव्यू जाते हैं उनको, एक उस संस्था ने देवांश को परफेक्ट चैंप ऑफ द मंथ जून को चुना गया था, उसमें इनका इंटरव्यू गया है सेलिब्रिटी के बीच में, और फ्रंट कवर पे इनका नाम भी आया उस मैगजीन पर। क्या उपलब्धियां अभी तक हैं और आप क्या चाहते हैं कि भविष्य में क्या करें देवांश? अब जो इनका सपना है वो पूरा हो जाए, जो इनका ड्रीम देखा इन्होंने कंपनी क्रिएट करनी है, या आप कह सकते हैं जिसमें प्लेटफॉर्म है जो बच्चों तक, इन्होंने देखी है ना आसपास गांव बच्चों को शिक्षा पैसे का नहीं मिल पा रही है, इन्होंने चीज़ को दर्द को महसूस किया है, तो खुद चाहते हैं कि ऐसी कंपनी या कोई प्लेटफॉर्म एजुकेशन का बनाएं जहाँ हर बच्चे को एजुकेशन आसानी से पहुँच जाए। तो इनके पिता चाहते हैं कि देवांश का सपना किसी भी तरीके से पूरा हो। हमारे साथ देवांश के स्टूडेंट भी हैं जो 1.5 साल या 2 साल से देवांश से लगातार सीख रहे हैं, उनसे भी बात करना है कि क्या अभी तक उन्होंने सीखा और क्या वो सीखना चाहते हैं, क्या गुण हैं देवांश के अंदर सिखाने के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष चहार है और मैं क्लास 10th में हूँ। मैंने देवांश से कोडिंग सीखी और सर से, देवांश के जो पिताजी हैं उनसे मैंने एबेकस सीखा, और मुझे काफ़ी अच्छा, मुझे अपने अंदर ही खुद प्रोग्रेस लगा कि हाँ मैं बहुत, मेरी जो मेमोरी है वो बहुत तेज़ हो रही है कोडिंग करने के बाद, एबेकस करने के बाद मेरा माइंड शार्प हो रहा है। और मैंने एक ऐप बनाया है जिसका नाम एबेकस, जिसका नाम मेरा है मैथ्स कैलकुलेशन बाय हर्षद चहार, जो कि प्ले स्टोर पर है। और मैंने जो कोडिंग की है वो मैंने एक सॉफ्टवेयर, एक वेबसाइट है जिसका नाम है code.org उससे की है, जिसमें मैंने कई सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं जैसे कि एज कैलकुलेटर और मैथ्स कैलकुलेटर। एंड मैं एक प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा था जिसमें मैं एक अपना खुद का एक मोबाइल बना रहा था जिसमें ओनली, जिसमें आप बस जैसे कि जो आपके जितने भी ऐप्स वगैरह होते वो सब थोड़ा बहुत बना रहा था, तो उस पर मैं अभी काम कर रहा था। और मैंने एबेकस भी सर से सीखा हुआ है जिसमें आप, मतलब अभी मैंने सम ही सीखे थे जिससे हम जल्दी से कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, हम गुणा कर सकते हैं उसे, प्लस कर सकते हैं। और बाकी मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर, मुझे 1.5 साल हो चुकी हैं यहाँ पर आए, और मुझे अपने अंदर खुद ये महसूस हो रहा है कि हाँ मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। और तो लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो आप, क्या चाहते हो लाइफ के अंदर ये चीज़ अचीव हो, और देवांश के अंदर आपको क्या दिखता है, क्या विशेष गुण है? मैं चाहता हूँ एक इंजीनियर बनना, और मैंने तब एकेडमी ज्वाइन की थी तो मैंने सर और देवांश दोनों के अंदर एक चीज़ देखी कि वो एक कम प्राइस में वो सभी बच्चों को वो चीज़ दिलाना चाहते, चाहे वो कोडिंग हो, चाहे वो एबेकस हो, कोई अदर एजुकेशन चीज़ हो। तो वो मैंने देखा सर में और इस एकेडमी में कि उन लोगों ने, सर और देवांश ने हमें बहुत कम पैसों में एबेकस और कोडिंग दी, जो आजकल कई ऐसी कंपनियां हैं जो उन्हें लाखों में दे रही हैं, वो सर ने हमें बहुत ही कम प्राइस पर दी। आप इसी गांव बरारा में ही रहते हैं? मैं बरारा से थोड़ा पास 1-2 किलोमीटर दूर नगला भूरिया गाँव में रहता हूँ। तो बरारा के अंदर कितने बच्चे और आसपास के कितने बच्चे सीख रहे हैं इस समय देवांश से? देवांश से लगभग 25-30 बच्चे सीख रहे हैं इस टाइम, जो कि बरारा से हैं, और कुछ हमारे गांव से भी हैं करीबन 9-10 बच्चे, वो भी यहां पर सीख रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदर्श है। आदर्श, आप कब से सीख रहे हैं और क्या क्या सीखा आप? मुझे 2 साल हो गए इस अकेडमी आया था मैं, जब मुझे क्या कहते हैं, तो क्या क्या आपने सीखा? मुझे अभिकस किया सर, सर ने अभिकस सिखाया, देवान सर ने कोडिंग सिखाई, कोडिंग में जैसे HTML कोड और code.org। तो ये बरारा गांव के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिखाने का एक सिलसिला जो शुरू हुआ है और लगातार चल रहा है, अभी जिनको लोग घर में बच्चा कहते हैं और वो बच्चे
सीखने के बाद इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अपने ऐप डेवलप कर चुके हैं और वो ऐप जगह जगह पर काम कर रहे हैं, अरविंद शर्मा आगरा यूपी तक।